हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक टोनर शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए खीरे का रस एंड देन आपको चाहिए होगा हाफ लेमन। आप चाहे तो फुल भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको सिर्फ हाफ लेमन ही लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। सो बेसिकली ये जो टोनर है ये विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं ये सबको अच्छे से रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पे मैं डाबर गुलाबरी का गुलाब जल ले रही हूँ और इसको हाफ बॉटल में ऐड कर रही हूँ। जितना खीरे की रस की क्वांटिटी है उतना ही मुझे गुलाब जल इसमें इंक्लूड करना है। उसके बाद क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इसमें ऐड किया है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, प्लस अगर आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो उसको भी फेड करने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है। तो ये जो टोनर है ये आपके सारी स्किन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, पिगमेंटेड है, अगर फ्लेकी सी हो गई है, क्रैक्ड हो रही है। आप इस टोनर को चाहें तो अपने स्किन पे, अपनी बॉडी पे, अपने हैंड्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एज आ मॉइस्चराइज़र भी काम करेगा, प्लस एज आ आपके स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी काम करेगा। हमने जो इसमें लेमन वगैरह ऐड किया है ये आपको स्किन ब्राइटनिंग और स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देगा। उसके बाद आपको पूरे टोनर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बट बिकॉज ये होममेड टोनर है तो आप इसे रेफ्रिजरेट करके ही रखेंगे, आप इसे बाहर नहीं रख सकते हैं। एंड ये मैक्सिमम आपका 10 to 15 डेज़ के लिए ही चलना चाहिए। उसके बाद आप इसे दोबारा से नया बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप किसी भी अपने कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी टोनर की बॉटल रखी थी, दैट वाज फ्रॉम गुड वाइब्स, तो वो खाली हो चुका था, तो मैंने उसी को क्लीन करके मैं उसी बॉटल में इसको अच्छे से स्टोर करके रख लूँगी। अब इस टोनर के फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर आप इसे 10 से 15 दिन भी रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको डिफरेंस नोटिस आप कर पाएंगे। फिर मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर छान लिया है एज़ यू कैन सी एक ग्लास में, ताकि जब मैं इसे कंटेनर में शिफ्ट करूं तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। एंड फिर मैंने इसको स्प्रे बॉटल में, एज आई सेड, जो मेरे पास गुड वाइब्स की स्प्रे बॉटल थी मैंने उसी में इसको स्टोर करके रख लिया है। इससे इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको बस स्प्रे करना होता है आपकी बॉडी में या फिर आपके फेस पे। आगे मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको एक्ने है, अगर आपको एक्ने स्कार्स का भी प्रॉब्लम है वो तो भी उसको रिजॉल्व करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू है तो आप उस केस में इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं, वो इसमें और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। बट मुझे इतना एक्ने का इशू नहीं था तो फिर इसलिए मैंने इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड नहीं किया था। तो देखिए किस तरीके से आपकी स्किन को ये नरिश कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट ऑन माय फेस कि किस तरीके से ये आपके फेस पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके फेस पे ग्लो आपको ला के देगा। तो इस तरीके से ही आपको अप्लाई करना है। आई होप आपको एक टोनर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय, टेक केयर।